सिलेक्शन हो गया, भेजे जाने से पहले खूब ट्रेनिंग भी कराई गई। फिर भी अंतरिक्ष स्टेशन में लंबे वक्त तक रहने के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर पर भारी प्रभाव पड़ते हैं। भारिनता में रहने के कारण उनका शारीरिक समन्वय प्रभावित होता है, यानी कि दिमाग और मांसपेशियों का तालमेल बदल जाता है। इसके अलावा मांसपेशियां और हड्डियां गलने लगती हैं। इससे बचने के लिए उन्हें स्पेस स्टेशन में भी हर दिन एक्सरसाइज करते रहना पड़ता है। पहले इसके लिए काफी पारंपरिक तरीके से ट्रेनिंग होती थी, लेकिन अब उनकी जगह ले ली है सेंट्रीफ्यूज मशीन ने। देखिए सेंट्रीफ्यूज तकनीक कैसे अंतरिक्ष यात्रियों की मदद कर रही है। अंतरिक्ष यात्रियों को गुरुत्व बल से संघर्ष नहीं करना पड़ता, लेकिन मांसपेशियों और हड्डियों के विघटन की चुनौती उनके सामने होती है। शरीर को भार की आदत होती है, भारहीनता की स्थिति में वो गड़बड़ा जाता है। ये वैज्ञानिक इसी परेशानी का हल खोज रहे हैं। अंतरिक्ष यात्रियों को हर दिन 2 घंटे कसरत करनी पड़ती है ताकि मांसपेशियों और हड्डियों के विघटन को रोका जा सके। इसीलिए हमें नई ट्रेनिंग मेथड्स की जरूरत थी और इसमें सेंट्रीफ्यूज महत्वपूर्ण है। एक खास मशीन में ट्रेनिंग का काउंटडाउन। टेस्ट के लिए यहां आने वाले शख्स का सबसे पहले हार्ट और ब्लड सर्कुलेशन टेस्ट किया जाता है। लक्ष्य मांसपेशियों को मजबूत करने का है, साथ ही शरीर के पूरे ऑर्गेनिज्म को भी। इस दौरान किसी का भी सिर आराम से घूम सकता है। सेंट्रीफ्यूज जितनी तेजी से घूमेगा, शरीर पर गुरुत्व बल का प्रभाव उतना ही ज्यादा पड़ेगा। ये ट्रेनिंग का नतीजा है। इस दौरान सेंट्रीफ्यूज पर लेटा शख्स एक रेडियो कांटेक्ट के जरिए तकनीशियनों और डॉक्टरों के संपर्क में रहता है। इमरजेंसी की स्थिति में वो टेस्ट रोकने को कह सकता है। इस दौरान उसे घूमती मशीनों पर ताकतवर जी फोर्स का सामना करना होगा, शायद कुछ ज्यादा ही देर तक। धीरे धीरे सेंट्रीफ्यूज चलना शुरू होता है। ये अब अधिकतम स्पीड की तरफ जा रहा है। करीब 45 चक्कर प्रति मिनट की स्पीड तक पहुंचने के बाद टेस्ट सीट पर लेटा इंसान रुक जाता है। सेंट्रीफ्यूज की ताकतों ने सबसे ज्यादा असर उसके पैरों पर डाला है। ये ट्रेनिंग का अच्छा इफेक्ट है, लेकिन वैज्ञानिक इतने भर से संतुष्ट नहीं है। सेंट्रीफ्यूज के जरिए अंतरिक्ष यात्री जल्द ट्रेन किए जा सकेंगे। ऐसा करने के दौरान शरीर के निचले हिस्से में ऊपरी हिस्से के मुकाबले ज्यादा भारीपन महसूस होता है। इसके साथ ही अंतरिक्ष यात्री साइकिल भी चला सकते हैं। इस तरह हम हर दिन के ट्रेनिंग शेड्यूल को आधे घंटे कम कर सकते हैं। सब कुछ ठीक रहा। सेंट्रीफ्यूज की रफ्तार जब कम हुई तो ऐसा लगा जैसे किसी विशाल चरखे में बैठे हों। लंबे वक्त तक अंतरिक्ष स्टेशन में तैनात यात्री पारंपरिक तरीके से ट्रेनिंग करते थे, लेकिन अब वहां सेंट्रीफ्यूज मशीन पहुंच चुकी है।